हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के साइंस का सैंपल पेपर, जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बच्चों आपको टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपका पेपर जो है वो 35 मार्क्स का होगा। जो पार्ट ए है वो 17 मार्क्स का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 5 पूछे जाएंगे आपसे। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का बैड कंडक्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट है अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा, जैसे कि आटे का पेड़ा जो है उसको आपने बेल दिया। ठीक है, तो वो जो है वो बेल गया, फिर वापस जो है वो आप उसको उसी फॉर्म में जो है वो ला सकते हो। ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है। अब प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, जो प्रिज्म होता है वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में जो है वो चेंज करता है, जिसको हम लोग विबग्योर जो है वो भी बोलते हैं। ठीक है, द वॉटर वी ड्रिंक इज इन लिक्विड स्टेट, जो पानी हम पीते हैं वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। फॉर्म लिखा सकता है, स्टेट लिखा सकता है। ठीक है, कंटेमिनेंट्स आर डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रिवेंट इन सी, तो सीवेज के पानी में सॉलिड इम्प्योरिटीज जैसे कूड़ा करकट वगैरह वो हो सकता है। इसके अलावा कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं जो कि पानी में घुले हुए होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैच द फॉलोइंग, 4 मार्क्स का है। हम वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ, हम लाइट कलर्ड क्लोथ जो है वो कब पहनना पसंद करते हैं? गर्मियों में, तो समर। प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, जंग से कौन सी चीज मतलब कि जंग लगने से बचाएगी? गैल्वनाइजेशन, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वी प्रेफर डार्क कलर्ड क्लोथ, डार्क कलर के कपड़े हम कब पहनना पसंद करेंगे? विंटर में। ठीक है, फिर है केमिकल चेंज से एक न्यू सब्सटेंस जो होता है वो बनता है। राइट, ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क्स का है ये। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स थ्रू अ लेंस, तो लेंस के से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वाटर साइकिल हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर ऑन द अर्थ, वाटर साइकिल जो है वो अर्थ पे वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये सही है। ठीक है, द साइट एंड स्मेल ऑफ ओपन ड्रेन इज अट्रैक्टिव, जो खुली हुई नालियां होती है उसकी उसको मतलब उसकी जो साइट है मतलब देखने में और उसकी स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो ये गलत है। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो कनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, 4 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। When acetic acid is mixed with baking soda, तो जब बच्चों acetic acid को baking soda के साथ mix किया जाता है तो कौन सा gas evolved होता है? Carbon dioxide. Next है which of the following object doesn't show reflection of light, तो कौन सा जो object है इनमें से वो light का reflection show नहीं करेगा, मतलब इसके से light reflect नहीं होगा। ठीक है, तो cardboard जो है वो light को reflect नहीं करता। World Water Day is celebrated every year on, तो World Water Day जो है यानी विश्व पानी दिवस या विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, जो कि है 2 नंबर के, 6 क्वेश्चन यानी टोटल 12 नंबर का है ये। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर, हम ठंड में वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं? वूल हैज एयर ट्रैप्ड इनसाइड, तो जो वूल होता है उसके अंदर जो है हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो हवा होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो वुलन कपड़े जो होता है वो हमें गर्म रखने में हेल्प करता है। राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगाना है, लोहे में जंग जो है उसको अलग अलग हम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से जो है वो कंडीशंस जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो हवा होनी चाहिए, हवा में बेसिकली ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि पानी होना चाहिए। इसके अलावा जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसे ओपन सर्फेस में रखा जाए, ठीक है, तो जो है वो लोहे में जंग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू मेटल्स विच आर डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन, तो गैल्वनाइजेशन के प्रोसेस जो 2 मेटल जो कि जो आयरन ऑफ सर्फेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं वो है जिंक और एल्यूमिनियम। ऑफ हाउ मेनी कलर इज व्हाइट लाइट मेड ऑफ, तो लाइट जो व्हाइट लाइट है ठीक है वो जो है वो कितने कलर से बना होता है उनके नाम बताओ। ठीक है, तो 7 कलर से बना होता है, आप इसको सीक्वेंस वाइज विबग्योर करके ही याद रखोगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। नेम द 3 स्टेट ऑफ वाटर, तो पानी की 3 स्टेट जो है वो कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर हम पीते हैं, और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, थ्रो लिटर इन द डस्टबिन ओनली, जो कूड़ा है वो हमेशा डस्टबिन में डालो, इस पे कमेंट करना है आपने। वी शुड थ्रो लिटर या रबिश इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। विद दिस आवर सराउंडिंग विल रिमेन क्लीन, इससे हमारा जो आसपास वातावरण है वो साफ सुथरा रहेगा। एंड वी कैन इजिली डिकम्पोज द रबिश, और हम उस कूड़े करकट को इजिली डिकम्पोज जो है वो भी कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है पार्ट सी, जिसमें आपसे तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, यानी टोटल 6 नंबर का आपका पार्ट सी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है उसमें किस तरीके की इमेज फॉर्म होगी वो आपने जो है वो बताना है, ठीक है। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब ऐसा लगता है कि इमेज जो है वो मिरर के मतलब कि पीछे बन रही है, यानी कि ये रियल नहीं होता, ये आभासी होता है, ठीक है। और इरेक्ट का बच्चों मतलब होता है इरेक्ट इमेज, यानी कि जो अपराइट है वो जो है वो मतलब अपराइट पोजिशन पे होगा, ठीक है। तो इसको इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका सर जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर है ना, तो वैसे ही इमेज अब जब आप शीशे में देखोगे तो सर जो है वो आपको ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेन मिरर्स फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज। बच्चों लेटरली इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है, आपने शीशे में देखा होगा जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में जो इमेज होती है वो अपना राइट हैंड उठाती है, ठीक है, इसे हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड पीछे बनता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स द सेम साइज इमेज एज दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब आपका जो साइज है, ठीक है, आप 5 फीट के, 6 फीट के, जितने भी फीट के हो, आप जब शीशे के सामने अपने आप को देखते हो तो उतनी ही जो है साइज की इमेज जो है वो आपको दूसरी साइड भी दिखाई देगी। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप शीशे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो शीशे से 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो क्या है, उसके डिफरेंस आपने बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों फिजिकल चेंज पहले पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, इसमें जो है वो लेंथ, पोजिशन, कलर, शेप जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है, इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है, आप इसको क्योंकि वापस जो है वो उसी पोजीशन में ला सकते हो। पानी मतलब कि जो पानी बन गया है ना, बर्फ के पिघलने से आप उसको दोबारा बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है, ठीक है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पेपर को जला दिया तो आप वापस उसको जो है वो ओरिजिनल पेपर जैसा पहला पेपर था वैसे नहीं बना पाओगे, तो ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।